बहन ये आपके 25,000 रुपए की मदद आई। कभी अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे के सर पे जरूर हाथ रखूंगा। मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, कभी बनती है कभी टूट जाती है। नहीं, 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 हर बेवा मजबूर गरीब को मदद करे, ऐसे ही जो हमारे तरह किसी की नसीब और तकदीर ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशाहिद खान और तमाम उन लोगों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मदीना की मदद की, मदीना के अकाउंट में मदद भेजी और ऐसे परिवार में मदद भेजी जिसको बेहद ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी। मदीना के शोहर का इंतकाल अब से 11 या 12 साल पहले हो गया था। दो बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है और मदीना जो है वो बोन कैंसर से पीड़ित है। मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि किस तरह से वो चल नहीं सकती, सहारा लेके चलती हैं। लोगों ने उनके अकाउंट में भी कुछ मदद भेजी जो भेज सकते थे और कुछ मदद हमारे पास आई है जो हमारे कुछ साथी हैं उन्होंने मदद भेजी है। वो मदद अब हम जाएंगे मदीना के घर और मदीना को देंगे क्योंकि वो उसी का हक है। शायद इस पैसों से वो अपना इलाज कर सके, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके या अपने बच्चों के लिए स्कूल में दाखिला ले सके। और अभी हम चलते हैं मदीना के घर, अपनी बहन मदीना के घर और हमसे जो मदद होगी इंशाल्लाह करेंगे और उनको उनकी मदद, उनका जो हक है वो हम देने जा रहे हैं। सलाम बेटा, अभी हम फिर दोबारा से लोनी गाज़ियाबाद इलाके के उसी घर में हैं जिस घर में हमने वीडियो दिखाई थी। अब से पहले हमारी बहन है मदीना और इनके शोहर का इंतकाल अब से 11 साल पहले हो गया था और एक बेटा है एक बेटी है और इनको बोन कैंसर की बीमारी है। हालांकि भी अभी इलाज चल रहा है। कुछ मदद हमारे भाइयों ने की है। मदद आ रही है मदीना आपके पास? मदद जी, हमने आपका अकाउंट नंबर डाला था जी, आ रही है। अच्छा, अब तक कितने कितना मदद आ रही है? सब भाइयों की आ रही है और उसमें 27,000 मदद आई अब तक आपके पास में। हाँ। मदीना आपके पास, आपने मुझे बताया था कि कर्जा भी है आपके ऊपर, कितना कर्जा है? कर्जा हमने जिन बहन से ली थी वो लोग बोल मतलब 5,000 के लगभग कर्जा आ गया है मेरे पे दवाई इलाज में। जब मैं देख ली अब हार गई कि अब मेरे कर्जा भी नहीं मिल पाएगा तो इस मारे में आप सबसे मदद मांगी, सब भाइयों से मांगी। जब भाई के जरिए आप मेरे पास भी आए, संसद भी आपको मेरे पास लेके आए। सहनसा भाई बता रहे थे कि आप पिछले एक साल से आपने दुआ मांग रहे थे कि मुशाहिद भाई। दो साल से कर रही थी मैं आपके लिए दुआ कि आप आएंगे, मेरी भी सहारा कभी लगेगी तो मैं ये नहीं जानी थी मैं बीमारी में लगेगी, पर मैं बच्चों के लिए कर रही थी पर अब मेरी बीमारी ऐसी आ गई जो आपको अब मेरी बीमारी में ही सहारा लगाना पड़ रहा है सबसे। देखो हर वक्त हर चीज़ें वक्त पर होती है, अल्लाह को जब देना होता है। अब दो साल से दुआ मांग रही थी कि मैं आपके घर पे आऊँ, अब सहनसा भाई के थ्रू मैं आया। आपने आप बच्चों की पढ़ाई की क्यों हटाना चाहती हूँ? मैं इसलिए हटाना चाह रही कि अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, नहीं पढ़वा पाऊँगी क्योंकि मैं कोशिश करती थी कि मैं इन लोगों को पढ़वा लूँ कम से कम इसे 8वां इसे 5वां करा लूँ, पर अब तकलीफें हो गई तो मैं सोच रही इसे काम पे लगा दूँ। मैं सर के पास भी गई थी, सर बोले बहन जी ऐसी है तुम बीमार तो रहोगी रहोगी, बच्चे के भविष्य मत खराब करो, कोर्स भी उठा लियो पढ़ाई करवा दो आगे आप सोच के फिर आना मेरे पास। तो मैं सोची सर से अब ना मिल के मैं डायरेक्ट 5वां करने के बाद मैं निकाल लूँगी 6ठे के बाद। जब से आपके पास मदद आई है कुछ उम्मीद जगी है कि आप? हाँ, उम्मीद जग रही है कि मैं इन लोगों को पढ़ा पाऊंगी और मैं ठीक भी हो पाऊंगी। डॉक्टर ने क्या बोला अभी आपको? अभी उस दिन गई कल डॉक्टर बोला कि ऐसी है तुम्हें लंबी बीमारी है, लंबी दवाई चलेगी, जब तक तुम रहोगी तब तक तुम दवाई के ही सहारे रहोगी और तुम भाग दौड़ करती हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है और कोशिश करो कि तुम ऐसी भागते रहो, हम लोग इलाज करेंगे।
बाकी जो दवाई बाहर से अब बोल देता है तो उसे लेना ही पड़ता है हर मरीजों को, आप भी ले लिया करो कोशिश करके। तो आप पिछले कई सालों से दवाई लेने रही थी बाहर से? नहीं ले रही थी, इसीलिए कि भाई आपके पास? हाँ, नहीं होता था मेरे पास पैसा, और 80 रुपए का, 100 150 का, 120 का, ऐसे गोली एक आती थी तो मैं नहीं ले पाती थी। कोई पाउडर था 850 का, वो भी नहीं ली थी। जो दूध में बोले थे दूध भी नहीं लेती थी। आपने कितने सालों से कपड़े नहीं बनाए? मैं जब से मेरे आदमी गुजरे जब से मैं नहीं बनाई, मोहल्ले नहीं दिया और मैं पहनी, बच्चों को भी पहनाई अपने भी पहनी। मतलब 11-12 साल से? हाँ, 11 साल से जो किसी ने दे दिया। हाँ, उसी से मैं अपना पहनती थी और बच्चों को भी पहनाती थी। अभी आपके ऊपर कितना कर्जा है स्कूल का, सब टोटल मुझे खर्चा बताओ। टोटल मुझे अभी 7,500 रुपए है। 7,500 रुपए आपको देने हैं अभी? तो ये घर का आपने कुछ बनवाया, ये कच्ची छत है आपकी, कुछ वो आप कुछ भरा वहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? हाँ, 2 महीना हो गया, पहले भर कैंसिल हो गया, फिर दोबारा भरी थी, 2 महीना हो गया। जब मुझे डॉक्टर बोला कि तुम्हें ये परेशानी हो गई है, तो मैं सोची शायद मैं नहीं बच पाऊँगी, तो इसलिए मैं सोची कहीं उधर से आ जाए मदद तो मैं इसे सही करवा दूँ, कम से कम इन लोगों के रहने के लिए अब छत हो जाएगी। मैं ये सोच के भरी थी, अब पता नहीं वो बढ़ा कि नहीं, नहीं बढ़ा नहीं मालूम, जा भी नहीं रही अब मैं। जो अब तमाम लोग जो देख रहे हैं वो मदद भेजेंगे, आपको मदद भेजेंगे, तो आप पढ़ाई में छुड़वाना इनकी। और कुछ मदद हमारे पास आई थी आपकी, ये आपने 7,500 रुपये बताया था ना? जी। 1, 2, 3, 4, 5 बहन, ये आपके 25,000 रुपये की मदद आएगी। खुश है ना? 25,000 रुपये आपको भेजे हैं हमारे भाइयों ने, भेजे हैं आपको, क्या क्या हमारी बहन को दे देना, वो बहुत मजबूर है। और इन 25,000 से आप अपना कर्जा भी उतारिए, कुछ पैसे आपके अकाउंट में भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह आते रहेंगे। और हिम्मत मत हारिए आप, ठीक है ना? और हिम्मत से काम लीजिए, अपनी दवाई का भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। क्योंकि मैं तो अब सब भाई से बोलूँगी, सहसा भैया से भी बोलूँगी, कभी अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे के सर पे ज़रूर हाथ रखना। मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, कभी बनती है कभी टूट जाती है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह। रोना नहीं ना, देखो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना। जिसने इस दुनिया में भेजा है वो हम, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी तुम रहोगी इंशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे और ये बच्चे भी सलामत रहेंगे, इनकी पढ़ाई नहीं छूटेगी और इनके सर पे हाथ रहेगा इंशाल्लाह, मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे। और जो जो भाई मुझे मदद की उन सब के शुक्रिया करती हूँ मैं। मेरे जैसे हर राड़क को, हर बेवा मजबूर गरीब को मदद करे, ऐसे ही जो हमारे तरह किसी की नसीब और तकदीर ना हो, सबकी मदद मिले। सब ठीक हो जाएगा। मैंने ना देखो, जिसने ज़िंदगी दी है वो कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा इन बच्चों के बारे में भी। मत रो बेटे, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। हर महीने मैं आऊँगा, सहनशो को मैंने बोल दिया है कि हर महीने वो आएगा और राशन दे के जाएगा, और बच्चों का भी इंशाल्लाह जो भी खर्चा है वो कोई ना कोई हमारा भाई ऐसा मिलेगा जो इन बच्चों का खर्चा उठाएगा हर महीने, ठीक है ना? मैं कभी मोहल्ले से बाहर नहीं जाती थी, कभी लोग मुझे कुछ कह देगा कि मैं तुम अच्छी खासी हो, तुम काम कर सकती हो, किसी ने कह भी दिया, लेकिन मेरे अंदर की बीमारी कोई नहीं पकड़ा। और मैं सबसे मांगने जाती थी, भूखी भी जाती थी, पर बोल के नहीं आती थी मैं भूखी आई। मैं सबसे हंस के दुआ सलाम करती थी, एहसास नहीं होने देती थी। अब मुझे वो झुका दिया जो मैंने दबा के रखती थी इन लोग के लिए, अब मैं शरीर से झुक गई। नहीं, तुम ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह, है ना? बहुत जल्दी ठीक होगी तुम, बहुत
पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है, आपको है ना पूरी दुनिया में देखा जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। मैंने आपका अकाउंट नंबर भी शेयर कर दिया है और मैं कर भी दूंगा इनका अकाउंट नंबर, SDFC बैंक का इनका अकाउंट नंबर है मदीना के नाम से, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से मदीना के अकाउंट नंबर में जो भी मदद भेज सकते हैं भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद भेजिए, जिससे ये अपने बच्चों की परवरिश कर सके, अपना इलाज करा सके, क्योंकि हम बहुत से अपने पैसा खर्च करते हैं मूवी देखने पे, अपनी शादियों में, ब्याहों में, अपने नाम के खातिर, लेकिन ऐसे लोग हैं वो वाकई में हमारी मदद के मुस्तहिक हैं। तो ऐसे लोगों को देखिए, ज़रूरतमंद लोगों को देखिए, और जो अपना पैसा है उस पैसे को सही जगह लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते, कम से कम एक मदद कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कि आप तक कौन बंदा, कौन आपकी वीडियो देख के इनको मदद भेजे। और हमारे चैनल को जो लाल बटन नीचे है इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको ऐसे ऐसे लोगों से और मिलवाते रहें, और आपके जो जज्बात हैं ऐसे ही जागते रहें, और आप ऐसे लोगों की मदद करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने मदीना की मदद की, या जो जो लोग मदीना की मदद करेंगे, तमाम लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।